तो आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसको लेके बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चलती रहती है, और वो टॉपिक है व्हाई सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिखा है, इसका मतलब क्या है कि बैलेंस शीट के अंदर हम लोग क्यों नहीं रिकॉर्ड करते हैं? गुडविल तो हमें पता है एसेट है, तो कायदे से तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे आना चाहिए, बट सिर्फ एक गुडविल जो सेल्फ जनरेटेड है, अलग अलग टाइप्स की गुडविल होती है आप लोगों को पता है, तो उसमें से जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है हम उसको क्यों नहीं रिकॉर्ड करते हैं? तो आज की वीडियो मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करी हुई है। पहला पार्ट थ्योरी का कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्यों नहीं रिकॉर्ड करी जाती है, और दूसरी परचेज गुडविल क्यों रिकॉर्ड करी जाती है, पहले तो ये डिफरेंस करेंगे। उसके बाद इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगी जिसके अंदर पार्टनरशिप के लिहाज से आपको पता चलेगा कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करना है और साथ में परचेज गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करना है। तो वो प्रैक्टिकल रिलेटेड होएगा, थोड़ा सा जर्नल एंट्रीज के साथ होएगा, बट ये वाला प्योरली थ्योरी का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया दो टाइप की गुडविल होती है, एक होती है परचेज्ड और एक होती है सेल्फ जनरेटेड। ये दो टाइप की गुडविल होती है। ये परचेज वाली गुडविल जो है इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अब परचेज गुडविल कैसे आई? जैसे एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को परचेज करा, उस टाइम उनकी गुडविल भी परचेज करी, तो इसको रिकॉर्ड करा जाता है ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए मैं बीएस लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड। अभी दिमाग में कंफ्यूजन आ रही होगी कि सर सेल्फ जनरेटेड की वैल्यू तो होती है फिर भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं बट रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बिल्कुल सही है, बट ऐसे हमें रिकॉर्ड करने से मना कौन कर रहा है? हमारा एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो कि इंटेंजिबल एसेट पे है। सीधा चलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है। इंड एएस की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे बात कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या बोल रहा है? तो सीधा चलते हैं ICAI की वेबसाइट पे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास ICAI.org इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के द्वारा वो देखते हैं। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हम लोग क्विक रेफरेंस में जाते हैं PDF के अंदर, यहाँ खोल के देखते हैं कि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या बोल रहा है। चलो तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे आ गया AS 26 by अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। देखो इंटेंजिबल एसेट के बारे में यहाँ पे क्या लिखा है, इंटेंजिबल एसेट इज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स। तो इसके अंदर हमारा गुडविल भी कवर हो जाता है। तब ये गुडविल के बारे में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर कि क्यों रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए और क्या रिकॉर्ड करना चाहिए। अच्छा अब ये देखिए कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है हमारी उसको हम क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकते, क्योंकि यहाँ पे दिया है कुछ रिकग्निशन क्राइटेरिया। तो सबसे पहली चीज क्या देखनी है हमने, प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटरप्राइज। तो यहाँ पे मैं पॉइंट नंबर 1 डाल देता हूँ, कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड। तो पॉइंट नंबर 2 डाल देता हूँ। तो हम लोग बात करेंगे गुडविल वाले इंटेंजिबल एसेट की कि वो इन दोनों पॉइंट्स पे खड़ा उतरता है तो ही हम उसको रिकॉर्ड कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे लिखा हुआ है हमारे पास, प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटरप्राइज। तो गुडविल में पक्का है कि अगर हमारी गुडविल है तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हमारे पास आने वाला है। बट एक चीज और भी तो सोच के देखो, अगर हमारी गुडविल खराब हो गई तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं आएगा। तो इसके अंदर पॉइंट 1 पे खड़ा उतरता भी है बट थोड़ा सा डाउटफुल रहता है यार, कल को गुडविल खराब होगी तो क्या करेंगे। सेकंड, कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड, किस चीज की फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। यहाँ पे वर्ड को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, रिलायबली मतलब कि ढंग से पूरे तरीके से आप लोग मेजर कर सकते हैं। और जबकि गुडविल के ऊपर हम ये नहीं एस्टिमेट कर सकते कि अगले साल कितना प्रॉफिट होगा, उससे अगले साल कितना आएगा। हमारे पास जो भी मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है वो हमें एस्टिमेट बेसिस पे बताते हैं, और चार मेथड है। आप खुद सोच के देखो, जिस गुडविल को निकालने के लिए चार मेथड है और चारों में से कौन सा लगे हमें ये नहीं पता, तो उसको हम रिलायबली मेजर कैसे कर सकते हैं। तो आपको याद होगा 11th के अंदर आपने प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए थे हमारे पास अकाउंटिंग के, उसके अंदर आपने एक चीज पढ़ी होगी मनी मैनेजमेंट।
कि जब तक हम किसी भी एक्सपेंस एसेट लाइबिलिटी या किसी भी चीज को मनी के टर्म्स में, मेजरिंग यूनिट क्या होता है अकाउंट्स का, रुपीस, उसके अंदर मेजर नहीं कर सकते तब तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकते? क्योंकि हम उसको मेजर नहीं कर सकते। अब एक बार ही देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है इन्होंने कि कैसे कैसे मेजर करें। यहाँ पे नीचे मेजरमेंट के तरीके दिए हैं हमारे पास, उसको भी स्क्रॉल करके एक बार ही देख लेते हैं कि हमारे पास इंटरनली जनरेटेड गुडविल के ऊपर क्या लिखा है। पहले तो लिखा है देखो डायरेक्ट परचेज, तो ये जितने भी चीजें लिखी है ना ये टोटल सारे इंटेंजिबल एसेट के लिए लिखा है। तो मैं सीधा स्क्रॉल कर देता हूँ नीचे कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल के बारे में क्या लिखा है। देखो इंटरनली जनरेटेड गुडविल के बारे में लिखा है नॉट टू बी रिकॉग्नाइज्ड, तो इसका मतलब हमने इसको रिकॉर्ड नहीं करना। और रिकॉर्ड क्यों नहीं करना? क्योंकि ये हमारे जो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया उस पर खरा नहीं उतर पाता, जो दो पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट कराए थे इधर। तो यही रीजन है कि हम इंटरनली जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो अब आगे चलते हैं, जो हमारे पास परचेज वाली गुडविल है ये तो हमने पैसे दे के खरीदी है इसलिए इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, और हमने किसी और का बिजनेस एक्वायर करा। फॉर एग्जांपल, बहुत ज्यादा अच्छा एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूँ, जैसे टाटा मोटर्स ने लैंड रोवर और जैगुआर को एक्वायर कर लिया, तो लैंड रोवर और जैगुआर के साथ उसकी गुडविल भी एक्वायर करी, तो टाटा मोटर्स ने उस गुडविल का फायदा उठा के आज भी लैंड रोवर और जैगुआर बेच रहे हैं। वो मैं आपको ये चीज नहीं कह रहा कि लैंड रोवर और जैगुआर की गुडविल से टाटा मोटर्स की सेल बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होएगा। तो इसको वापस से मैं मिटा देता हूँ, बट मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो चीज आप समझो कि टाटा मोटर्स अब लैंड रोवर और जैगुआर को बेचेगा तो उनकी साथ में गुडविल भी है, ऑल ओवर वर्ल्ड रिकॉग्नाइज ब्रांड्स है ये दोनों, तो इन दोनों की गुडविल का फायदा भी उठाएगा लैंड रोवर और जैगुआर बेचने में। तो गुडविल खरीदी किसको? उस बिजनेस के साथ, तो जब तक वो बिजनेस है तब तक वो रहेगा, क्योंकि देखो फायदा कैसे मिलेगा, लैंड रोवर और जैगुआर बेच के जो प्रॉफिट होने वो तो टाटा मोटर्स के पास जाने हैं ना, बट डायरेक्टली बेनिफिट नहीं मिल रहा टाटा मोटर्स को, बट किस फॉर्म में मिल रहा है? लैंड रोवर और जैगुआर बेच के, इस चीज को समझो आप। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि वो वाली गुडविल को रिकॉर्ड कर लेते हैं परचेज वाली को, क्योंकि उसका इनडायरेक्टली तो बेनिफिट मिल रहा है ना हमें, और हमने खरीदी है पैसे पे करे हैं उसके, इसलिए उसको रिकॉर्ड कर सकते, वेरा सेल जनरेटेड गुडविल को हम नहीं रिकॉर्ड कर सकते। तो चलो अब इसी के साथ हम लोग पार्ट टू पे चलते हैं कि ट्रीटमेंट क्या रहेगा इसका पार्टनरशिप के अंदर। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ लो, मैं तुम्हारा वीडियो एंड करता हूँ और फिर नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट।